क्या छुपा के लेके जा रही हो शमी? दिखाओ जल्दी। ए देवा, आज तो गए। सर, रानी विक्टोरिया का स्टैच्यू इनॉग्रेशन के लिए मैनसन साहब आ चुके हैं। सब आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी चलिए। लेट्स गो। मन्नू हमारे विवाह के लिए कोई विशेष उपहार तैयार कर रही है। हाँ मंजरी, हम तुम्हें तुम्हारे विवाह पर एक ऐसा तोहफा देंगे कि ये फिरंगी भी तुम्हारा विवाह नहीं भूल पाएंगे। देखती जा। फिरंगी भले ही ना भूले, पर हमारे होने वाले श्रीपद जीजा जी तो कभी नहीं भूल पाएंगे। है ना मंजरी? चुप। ओहो, चुप। एक बार फिर सोच लो श्रीपाद, कल तुम्हारा वंजीर के साथ विवाह है। विवाह तो मैंने देश की आजादी से कर लिया है। आजादी का ये एक वचन विवाह के 7 वचनों से बढ़कर है। बात का विशेष ध्यान रहे, किसी भारतीय को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। जाओ भारत, इन फिरंगियों के मुंह पे एक ऐसा तमाचा मारो जिसकी गूंज कलकत्ता ही नहीं इंग्लैंड तक सुनाई दे। विजयी भाव। मन्नू, तुम ये पतंग उड़ाओगी? हाँ। हे देवा, हवा भी उसी तरफ है। हवा भी भारत के साथ है मंजरी। Ladies and gentlemen, let's cheers. 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 Oh. Cheers.
उसे वहां ले जाकर ऊपर की ओर छोड़ देना, ठीक है? अच्छा, अरे जाओ ना विमला, क्या सोच रही हो? छोड़ो। हाँ हाँ छोड़ दे, ठीक है। ढील दे, ढील दे। मनु और ऊपर, और ऊपर। नीचे लेके, नीचे लेके, आप खींच तो रहो। दाएं दाएं। नहीं, नीचे नीचे। मजा आ रहा है। This is a proud moment for every Indian. Queen ke sabse bade statue ke liye East India Company ne Bitur ko hi chuna hai. Proceed. कुछ नहीं हुजूर। गो बैक। बस वो देखने आए थे हुजूर। पीछे जाओ, गोली मार दूंगा। चलो चलो पीछे चलो तुम लोग। ए तुम लोग यहां कहां? पीछे चलो। गो बैक। चलो ये पेट पे क्या है? ये कुबड़ा है हुजूर। कोबरा? कुबड़ा कुबड़ा होता है हुजूर। हटा के दिखाओ इससे। ऐसे हटाओ इसको। सब वो देखो, हमारे झंडे की पतंग उड़ा रहे। मनु वो पतंग नीचे उतार लेना, कोई फिरंगी देख लेगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे मजनी मजा देख। ये काम मनु के अलावा और कोई नहीं कर सकता। Captain Manson, our flag! Flag. Oh, God! It's our flag! Catch the culprit! I want him dead or alive! Go! Pagnone! मनु और ऊपर, और ऊपर। हे देवा, अब क्या होगा? अंग्रेजों के झंडे की पतंग मनु का ही काम है, लेकिन अभी मौके का फायदा उठा के हमें अपनी योजना को अंजाम देना चाहिए। किधर से आ रही हो? बिटूर हमारा है, हम किधर से भी आ जाए, आपसे क्या? हम पूछ रहे हैं, तुम लोग उस पहाड़ी के रास्ते से आ रही हो? हे देवा,
पकड़े गए। मनु झूठ नहीं बोलती। बताओ। हाँ, ऊपर से ही आ रहे हैं। ओके, तो फिर ये बताओ किसी ऐसे आदमी को देखा जो यहाँ का ना हो, बाहर का हो। I mean doubtful, मतलब संदिग्ध। यहाँ पर यहीं के लोग रहते हैं, बाहर के तो आप लोग हैं। हे लड़की। मणिकर्णी का नाम है मेरा। सर, सब कुछ जल गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। ए मालिक, हमरा के भी जला दे, हम जी के कहां गरीब रहे हैं। अरे गांव के गांव तो जला दिए रहे हैं। अरे हमरा के जाके मर जाते। ए मदन पाल जी साहब, व्हाई यू जस्ट स्टैंडिंग देयर? रीड इट। दांदूपुर के वासियों और गांव की तरह अब इस गांव की जमीन भी कंपनी बहादुर की है, इसलिए यहां गेहूं, ज्वार, कपास की खेती नहीं, अफीम की खेती होगी। अरे ऐसे कैसे हो गया? किसने बताया? अरे 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 वाह साहब वाह, ऐसे कैसे नाप की हो गई? ये भूमि तो हमारे महाराज की है ना, वही हमका दिए हैं। अरे पुरखन से हम लोग यहाँ पे खेती किसानी करत रहे, आप कौन होते हैं हमसे ही जमीन लेने वाले? सही बोले हो, बिल्कुल सही बोले हो। तुम्हारे महाराज गंगाधार ने ही 11 विलेजेस कंपनी को गिफ्ट किया है। मदन पाल ये देखो, इस गिफ्ट डीड पर तुम्हारे महाराज की सील है। सरासर झूठ है, हमारे महाराज इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकते। ये सब फिरंगियों की चाल है। हाँ। चलो हम महाराज के पास चलते हैं। अरे ये तो बड़ा अंधेर बा। चलो चलो, चलो। अरे अंधेर नगरी नहीं है। अरे काका, इस क्वीन विक्टोरिया का स्टैच्यू ब्लास्ट। ऑफ कोर्स, ये क्रांतिकारी भारत का ही काम है। भारत, I'm coming। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें अंग्रेजों के झंडे को पतंग बनाकर उड़ाने की? तो क्या हुआ बाबा, हमने तो केवल उनके झंडे की पतंग बनाई, लेकिन क्रांतिकारी भारत ने तो उनकी रानी विक्टोरिया की प्रतिमा ही उड़ा दी। मनु तुम? बाबा, प्रतिमा उड़ाकर क्रांतिकारियों ने इन फिरंगियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सोचिए तो, ये दुष्ट अपनी रानी की प्रतिमा लगाकर क्या सिद्ध करना चाहते थे? यही ना कि हमारा देश हमारा नहीं, उनकी रानी विक्टोरिया का है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए।
हमारे क्रांतिकारियों ने उन्हें ऐसा करने ही नहीं दिया। ये देखा, जो क्रांति की आग मेरे हृदय में जल रही है, वही ज्वाला बनकर मेरी बेटी के अंदर भी भड़क रही है। पर नहीं, मुझे अपना सच मनु से छुपाना होगा और दूर रखना होगा अपनी बच्ची को इस आग के खेल से।